कैडेट्स, एनसीसीआर मर्ज अभी नहीं हुआ, अभी यहाँ पे एनसीसीआर इंट्रोड्यूस किया गया, लिस्मा कैडेट कॉर्प राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो चाइनीज एग्रेशन, चाइना के साथ जो क्रोध हुआ 1962 में, जो हुआ था तो उनके बीच में युद्ध हो गया था, उस युद्ध का नाम क्या दिया गया, उस युद्ध का नाम इंडो चाइना वॉर दिया गया, एंड इट वॉज ऑल्सो नेम्ड एज साइनो इंडियन वॉर, जो कि साइनो इंडियन वॉर कब से कब तक चला था, 20 अक्टूबर 1962 से 20 अक्टूबर 1962 टू 21 नवंबर 1962। अब उसके बाद चाइना एग्रेशन, चाइना के साथ युद्ध खत्म हो गया, तकरीबन एक महीने का युद्ध रहा। अब उसके बाद क्या होता है, एंड आफ्टर दैट इन 1963 में एनसीसी ट्रेनिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द कैडेट्स, फॉर ऑल द एबल बॉडीड बॉयज इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 25 ईयर इन द फर्स्ट 3 ईयर इन द कॉलेज। ये जो युद्ध हो गया, तो इस जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसमें भारत हार गया था, तो क्या हुआ कि उसमें हमें और भी सैनिक की जरूरत थी और हमें पहले से सैनिक को तैयार रखना था, तो उसके लिए हुआ क्या, उसके लिए सबको ट्रेनिंग, कंपलसरी ट्रेनिंग देने के लिए नीडरलैंड ले लिया गया, जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है सबको कम से कम 3 साल की सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा, टू ईच एंड एवरी वन ऑफ एबल बॉडी, एबल बॉडी 16 to 25 उनके अंदर कमी ना हो उनको, और 16 से 25 साल के बच्चों को, छात्रों को जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया। और उस कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग जब हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें लगी। अब हम आगे जाते हैं, अब इस दिक्कत का समाधान होगा, क्योंकि दिक्कत आई है तो जिसको दिक्कत आएगी वो कंप्लेन करेगा, जब कंप्लेन करेगा तो उसका रिजल्ट सोल्यूशन आएगा। अब हम इसके बाद आते हैं 1964 में, जो एनसीआर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, एनसीआर को मजबूरन हमें मर्ज करना पड़ा। In 1964, NCCR was merged into the NCC. जो National Cadet Corps Rifle था उसको NCC में मिला दिया गया। और उसके बाद aspect of NCC was discussed by the Inter-University Board in 1967 and the period of compulsory training was reduced from 3 years to 2 years. अब जो यूनिवर्सिटी बोर्ड था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था, ये निर्णय लिया जो यहाँ से 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग थी इसको कम करके रिड्यूस्ड कर दिया गया, कितना, 3 साल से 2 साल के लिए इसे कम कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी दिक्कत हुई, क्योंकि 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग, 2 ईयर 1 साल, वो बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर दैट द एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1967 सजेस्टेड दैट एनसीसी ट्रेनिंग मस्ट बी इम्प्रूव्ड एंड रिक्रूटमेंट टू एनसीसी शुड बी ऑप्शनल, जो एनसीसी की ट्रेनिंग हो उसे ऑप्शनल बना दिया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, उन्होंने क्या कहा कि एनसीसी को ट्रेनिंग जो मिल रही है उसको ऑप्शनल कर दिया जाए, जो छात्राएं चाह रही हैं एनसीसी करने के लिए, जो मिलिट्री ट्रेनिंग को लेना चाह रही है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो मिलिट्री ट्रेनिंग ले सके अपने विश पे, अपने इच्छा पे। एंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद हम चलते हैं, तो इन फरवरी 1968 इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड डिसाइडेड टू मेक ऑप्शनल, जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड था फिर उसने उनकी बात पे मान लिया, फिर क्या कर दिया, उसे ऑप्शनल कर दिया। अब उसके बाद हम जाते हैं 1997 में न्यू सिलेबस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1997 में न्यू सिलेबस, नया सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या इंट्रोड्यूस नया किया गया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उसमें सिलेबस में स्पोर्ट्स एंड गेम को और ऐड कर दिया गया। आफ्टर दैट इन 2006 एनसीसी सिलेबस वॉज अगेन रिवाइज,
रिवाइज होते आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसके बाद युद्ध होने के बाद हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे 1997 में हुआ, 1997 में होने के बाद 1997 में क्या हुआ, स्पोर्ट हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या क्या कर रहे थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट डेवलपमेंट सामुदायिक विकास से लेकर के यहाँ तक ना जो ये नेशन है यहाँ तक अभी तक रिवाइज हुआ है। इन 2006 एनसीसी सिलेबस वाज अगेन रिवाइज, एन सिलेबस फिर से रिवाइज होता है, रिवाइज होता क्या है उसमें, फील्ड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग पोस्टर ट्रेनिंग, ये जो हमारे चार नेशन है, फील्ड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल पोस्टर ट्रेनिंग, इसमें से ये जो हमारा फील्ड इंजीनियरिंग है ये हमारा एफसी एंड बीसी के अंतर्गत आ जाता है, एफसी फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के अंदर आ जाता है, और ये जो कम्युनिकेशन ये एक लेसन है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग भी लेसन, पोस्टर ट्रेनिंग भी एक लेसन है, ऑब्स्टेकल में हमारा टीचर लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब इसमें आ जाता है। अब हमारा एनसीसी सिलेबस रिवाइज हो गया है, एनसीसी सिलेबस हमारा रिवाइज हो गया है, तो अब हम एक बार एनसीसी सिलेबस को जान लेते हैं। मैं एनसीसी सिलेबस जो है उसको बोल दे रहा हूँ, उसको सभी लोग अभी स्क्रीन पे, अभी आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप वहां से उस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। सिलेबस पहला क्या है, एनसीसी एट अ ग्लेंस, जो अभी हम चला रहे हैं द फर्स्ट लेसन दैट इज एनसीसी एट अ ग्लेंस, फिर उसके बाद सेकेंड डिफेंस एंड सर्विसेस, एंड आफ्टर ड्रिल एंड कमांड, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट हो गया, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, अभी कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जो फील्ड इंजीनियरिंग उसका एक बिंदु था, पॉइंट था, जिसको 2006 में जब एनसीसी सिलेबस को रिवाइज किया गया तो उसको ऐड किया गया था। अब उसके बाद हम आते हैं ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग भी वहाँ था, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग एंड डिफेंस सर्विसेस, सर्विसेस टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो हमारा एसएसबी में टेस्ट होता है इंटरव्यू होता है, उन सबका ग्रुप डिस्कशन हो गया, लेक्चर हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें एनसीसी का बहुत ही अहम भूमिका होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, चाहे वो भूकंप आए कोई भी चीज हो, नेचुरल डिजास्टर फ्लड ड्रॉट, उसमें एनसीसी कैडेट्स का बहुत ही अहम भूमिका होता है, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस जैसे कि रक्तदान हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, एड्स जो बीमारी है उससे बचने के लिए बताते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, योगा एंड आसना, होम नर्सिंग, पोस्चर ट्रेनिंग, पोस्चर ट्रेनिंग अभी हमारा 2006 वाले सिलेबस में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फेमस लीडर्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, अभी हम हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में थे, अभी नया सिलेबस तक आ गए जो 2019 से चले थे हम तो 1917 से कहाँ पे आ गए 2019 तक आ गए हैं, जो हमारा यह पार्ट है वो खत्म होता है, हिस्ट्री का पार्ट नहीं खत्म होता है, लेसन नहीं खत्म होता है, अभी हमारा उसमें का एक पॉइंट जो था यहाँ पे ऊपर लिखा था हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, आगे जो हमारा नीचे पॉइंट आ रहा है, नीचे जो हमारा पॉइंट आ रहा है हम उसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। Thank you.